नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आसिफ रहमान और आप देख रहे हो नेशनल दस्तक। आज बात करेंगे कल जिस तरीके से एक जनता के सामने एक फिर हथकंडे अपनाई गई बीजेपी की तरफ से और एक तरीके से कहा जाए भेड़ चाल। कल प्रधान सेवक हमारे नरेंद्र मोदी अपने नाम के आगे चौकीदार लगा तो भेड़ चाल की तरह अमित शाह और कई बड़े मंत्री पीयूष गोयल अपने नाम के आगे चौकीदार लगा। लेकिन सवाल यहाँ पर बहुत सारे खड़े होते हैं। इससे पहले अगर आप बात करें 2014 में तो वहाँ पर लोकसभा चुनाव था और 2014 में यही नरेंद्र मोदी जो बीजेपी के नेता है वो किस तरीके से जुमलेबाजी कर रहे थे जनता के सामने कि हमने चाय वाला और अब इस चौकीदार। तो कहीं ना कहीं बीजेपी या नरेंद्र मोदी ये समझते हैं कि जो जनता है वो बेवकूफ़ है, लेकिन बीजेपी अक्सर ये भूल जाती है और गलतफहमी में रहती है। आखिरकार उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं होता है कि जनता बेवकूफ़ नहीं है। अब हर राज्य में जनता जागरूक हो चुकी है। ST SC OBC या बहुजन या मुस्लिम समाज जो जिस तरीके से 5 सालों में बीजेपी सिर्फ और सिर्फ चुनावी रैली और जुमलेबाजी करती आ रही है, इससे कहीं ना कहीं समाज पे जागरूकता आ चुकी है और समाज समझ चुका है कि अब बीजेपी सरकार सिर्फ अपने फायदे के लिए हिंदू मुस्लिम राम मंदिर या फिर सांप्रदायिक दंगे को बढ़ावा देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर वहीं बात करें बेरोजगारी बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, नोटबंदी से क्या हुआ ये सबको पता है, लेकिन अब तक अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो आप खुलकर वो जनमानस का सवाल जो जनता सवाल पूछ रही है वो सवाल नहीं पूछ रहे होते हैं। TV स्टूडियो में बैठा टाई और सूट पहनकर जो बैठे होते हैं वो चिल्ला चिल्ला कर सिर्फ मोदी सरकार की वाहवाही कर रहे होते हैं या फिर एक पॉइंट पर एक तरफ किसी और के प्रवक्ता, एक तरफ मुस्लिम के प्रवक्ता, एक तरफ किसी और पार्टी के प्रवक्ता और लड़ाई का काम चल रहा होता है। उन्माद का जहर फैलाने का काम धड़ल्ले से चल रहा होता है। तो लेकिन वहाँ पर जो गोदी मीडिया की जो भूमिका है, अगर यूँ कहे कि वो मोदी सरकार से सवाल ना पूछकर सिर्फ जनता का कोई मुद्दा नहीं होता है, सिर्फ हिंदू और मुस्लिम चला रहे होते हैं। और ये 5 सालों में अगर आप देखें तो कितनी जल्दी से ये हो गया। और अभी लोकसभा चुनाव नज़दीक है, आचार संहिता लागू है, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े होते हैं कि चुनाव आयोग अब तक किस मामले पर सो रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आचार संहिता लागू है, उसके बाद हर पार्टी चुनावी रैली नहीं कर सकता। लेकिन आप देखें तो जो सियासी चलती आ रही है पुलवामा के बाद और श्रीनगर के शहादत पर अभिनंदन को लेकर, तो परसों एक फोटो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था। उस फोटो में अभिनंदन लाडो सराय दिल्ली में एक पोस्टर पे, बड़े पोस्टर पे बैनर लगा था जिसमें बीजेपी के नेता थे। और ये लाडो सराय का पूरा मामला है जहां पर अभिनंदन की फोटो लगाकर एक तरीके से सियासत की जा रही थी। और वहीं अगर दूसरी तरफ से सबसे प्रमुख बात है दोस्तों, और इस बात पर ना विपक्ष कुछ कह रही है और ना ही किसी को ध्यान है, मीडिया तो बस अपना काम कर रही है, हिंदू या मुस्लिम, और उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। अब हम अहम मुद्दे पर आते हैं जहां बात करते हैं। पहला चरण 11 अप्रैल को है, उसके बाद उसी के 2 दिन बाद यानी 13 अप्रैल को मोदी जी की फिल्म आ गई। अब आप सोचिए कि एक इस पे विपक्ष खामोश है और विपक्ष को अपना तो एक तरीके से मोदी का पूरा प्रचार फिल्म के तरीके से किया जा रहा है, तो इस पे क्या चुनाव आयोग का ध्यान नहीं है? मोदी सरकार या फिर अगर कहे कांग्रेस या प्रियंका गांधी या विपक्ष में इस पे कोई सवाल खड़े नहीं कर रहे हैं। चौकीदार का पूरा खेल समझिए। 5 साल में पूरे देश का जनता को लुभाने की कोशिश की, जो अब प्रधानमंत्री जो हमारे प्रधान सेवक है वो गलतफहमी में यार वो ये भूल गए हैं कि इस बार जनता समझ चुकी है, जागरूक हो चुकी है पूरी तरीके से। तो इस बार कोई भी हथकंडा या फिर आप अपने नाम के आगे चौकीदार लगा दे या फिर भेड़ चाल की तरह अगर आप यूं कहे कि उनके मंत्री भी इस मुहिम में आ गए हैं, लेकिन ये जो मुहिम इन्होंने कल चलाया था वो मुहिम उल्टा बीजेपी के मंत्री या फिर मोदी सरकार जो नरेंद्र मोदी है 56 इंच का जिनका सीना है तो उन पर ये भारी पड़ा है। हुआ है दरअसल यूँ कि जो सोशल मीडिया पर जब ये ट्विटर का मुहिम कैंपेन स्टार्ट किया गया उसके बाद
जो आलोचनाएं और जो मजे लिए गए, जो धज्जियां उड़ाई गई सोशल मीडिया पर, उसके तुरंत फौरन बाद मोदी सरकार ट्विटर डिलीट कर देते हैं। लेकिन तब तक देर हो चुका होता है और तब तक स्क्रीन शॉट जो कहें स्क्रीन शॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है और लोग धज्जियां उड़ा रहे होते हैं, तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं कि 2014 में चाय वाले के नाम से। तो ये तरीके का जो फार्मूला आप समझिए, आप पूरा खेल समझिए, पहले 2014 में आप चाय वाले बन जाते हैं और आप चौकीदार बन जाते हैं। इस पूरे मामले पर सोशल मीडिया का एक अलग रूप था, इससे कहीं ना कहीं पता चलता है कि जो मोदी सरकार की रणनीति है, चाहे कोई फार्मूला है या कोई चाल है या साजिश है, सब नाकाम साबित हो रही है। तो अब चुनाव आ गया है तो चौकीदार बन रहे हैं। ये तो वही कहावत हो गई है कि सो चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। देखो जी, अब जो इस पूरे मामले पर हमें भांड चोकर चौकीदार चोर या भगोरे मकोड़े से कोई मतलब नहीं है। मेरे बापू की लाठी में दम होगा तो न्यूनी तो ही मनवा लेंगे। आपको याद होगा ये लाइन जो है किसान जो आंदोलन करने आए थे जंतर मंतर पर, तब पुलिस लाठीचार्ज हुई थी और एक बूढ़ा आदमी जो आप देख रहे हैं, ये बूढ़ा आदमी के चेहरे पर देखिए डर नहीं है और तीन पुलिस वालों के सामने ये डंडा लेकर ये कह रहा है कि हम डरने वाले नहीं हैं, अगर पुलिस डरा रही है तो हम अपना इंसाफ और न्याय की बात कर सकते हैं। तो अव्वल तो ये होली के मौसम में खामखा उछल कूद रहे, इन पर ध्यान ना दो और अपने काम से मतलब रखो, रोजगार की फिक्र करो। रोजगार की जो आंकड़े बढ़ रही है, बेरोजगारी जो बढ़ रही है, उस पर जिक्र करिए। चौकीदार जो है ये विफल है पूरी तरीके से, जो मोदी सरकार हथकंडे अपना रही है, बस ये कुछ समय के लिए है। वही दूसरी तरफ एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में पहुंचे अखिलेश यादव को चैनल के बुद्धिमिनी एंकर ने अखिलेश यादव से सवाल पूछा, कुछ भी हो साहब, पढ़े लिखे और अनपढ़ का अंतर तो साफ नजर आता है। अब जब ये एंकर का जो अखिलेश यादव से एंकर ने जो सवाल पूछा, जब सभी पर्सन के सामने मिलन हो गई, जब सारी बातचीत हो गई, तो पूछा कि मोदी अपने नाम के साथ चौकीदार लगा लिया है तो आप क्या लगाएंगे। एक एंकर है, एक पत्रकार है, वो अखिलेश यादव से इस तरीके का पूछ रही है, तो जिसमें उन्होंने जवाब किया कि वैसे तो चाय वाला स्थान खाली हो गया है लेकिन मैं तो हूं ही दूध वाला। दूसरी तरफ आप देखिएगा ट्विटर में जो चौकीदार के नाम के आगे एक और महिला है जिसे आप देख सकते हैं, स्मिता ईरानी भी है, चौकीदार बन गई है। चाय का धंधा मंदा होने के बाद लगता है कि लीडे कपड़े का काम भी सुकून में आ गई है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि वैसे एमजी अकबर की चौकीदार बनने के बाद महिलाओं ने अंदर से भी लोक लगा दिए हैं। ये एक सोशल मीडिया पर जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जो लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो है, याद रखिए संतरी, चौकीदार को हिंदी में संतरी कहते हैं और ये फारसी वर्ड है चौकीदार, उसके गिरोह ने अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाई है, एक माँ अपने खून से अपने बच्चों की खींचती है। अभी आप याद करिएगा जो कि नजीब की माँ किस तरीके से रो रही है और किस तरीके से अब तक उसका बेटा नहीं मिला है, उसी पर है कि एक माँ अपने खून से अपने बच्चे को खींचती है और मौत के दरवाजे से वापस लौटकर उसे दुनिया में दिखाती है। आईबी, एनआई, सीबीआई, दिल्ली पुलिस तक किसके इशारे पर असफल रही और ये नाकाम रही, जगाते रहो, सोने से पहले अपनी अपनी माँ का चेहरा याद किया करो। तो जब आप चुनाव देने जाएंगे, रोहित बेमूला, नजीब की माँ, किसान शोषण, दलितों भोजनों पर शोषण, सांप्रदायिक दंगे, गायों के नाम से राजनीति, और जो ये जुमलेबाजी हो रही है, बेकसूर की मौत हो रही है, मॉब लिंचिंग हो रहा है, ये सब याद रखिए। आपको भटकाने की कोशिश की जा रही है, एक एजेंडा चलाया जा रहा है, एक प्रोपेगेंडा है, उसमें आपको भटका दिया जा रहा है, तो ये इस सबसे सावधान रहिए। तो आप इस पूरे खेल को समझिए और सावधान रहिए। ये बीजेपी सरकार जो है ये पूरी तरीके से भटकाने की कोशिश कर रही है और जनता समझ चुकी है और बार बार कह रहे हैं कि जनता अब किसी भी तरीके से हथकंडे में नहीं आने वाली और जनता को समझ आ चुका है। कहीं ना कहीं बीजेपी इस गलतफहमी में है और ये समझ नहीं पा रही है कि और भाई बीजेपी के मंत्री के ऐसे लोग कहाँ से आ रहे हैं जो इस तरीके का बयान दे रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 अभी प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो 2024 में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये मैं नहीं, ये साक्षी महाराज कह रहे हैं। तो इस तरीके का बयान, ऐसे कैसे लोकतंत्र खत्म हो जाएगा।
तो ये सब सवाल है। और वैसे आप सावधान रहिए, हम फिर कल किसी और मुद्दे पर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इससे जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए हमारा चैनल नेशनल दस्तक दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।